नमस्कार दोस्तों, नारंगी आसमान जो है ग्रीस देश में है। बता दें कि यह एक ऐसा आसमान जो नारंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान से जो धूल निकलते हैं वो वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसके कारण वह नारंगी नजर आते हैं। बता दें कि इसके पीछे कहानी क्या आती है। इस बार सहारा रेगिस्तान से आने वाली जो हवाएं हैं धूल कण के साथ पूरे वायुमंडल में एथेंस जो शहर है चारों वायुमंडल में नारंगी की तरह नजर आ रही है। बता दें कि इस हवाओं के कारण ग्रीस में रहने वाले लोगों को सांस लेने में और सांस लेने से संबंधित और भी समस्या पैदा हो गई है। धूल की वजह से ग्रीस में एयर की जो क्वालिटी है बहुत ही खराब हो गई है, साथ ही साथ यहाँ की जो टेम्परेचर है तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तेज दक्षिण हवाओं के कारण यहाँ पर बेमौसम जंगल में आग भड़क गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर 25 ऐसे जंगल में आग लग चुकी है। धूल की भारी हवाओं के कारण ग्रीस के शहरों में धूल के कारण अदृश्यता बहुत कम हो गई, दिखाई देना बहुत कम हो गया है। बता दें कि इससे पहले 2018 में सहारा से आने वाली हवाएं इससे भी ज़्यादा भयानक हुई थी, जिसके कारण बहुत तकलीफ सहना पड़ा। तो आपको यह जानकारी कैसे लगी ग्रीस देश के कमेंट जरूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब न भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।